नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास किया जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। आई एग्री बट द रिजर्वेशन थिंग इज ऑलरेडी सर्कुलेटेड, सो लेट अस फर्स्ट डिस्पोज द रिजर्वेशन बिल। ये बिल पास होने के बाद सरकार ने ऐसा दर्शाया कि अब कश्मीर में सब कुछ शांत हो जाएगा, मतलब कश्मीर में अब ना तो आतंक बढ़ेगा, ना ही जवान शहीद होंगे और ना ही किसी कश्मीरी पर जुल्म होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से जम्मू में और कश्मीर में घटनाएं घटी हैं उसने सरकार की पोल खोल कर रख दी है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे दावों को इन घटनाओं ने बेनकाब कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम इस सरकार से ऐसे ही कश्मीर की अपेक्षा कर रहे थे। खैर, खबर पर आगे बढ़ें उससे पहले राज्य में हुई अभी हाल की घटनाओं को जान लीजिए। तो चलिए एक एक करके इन खबरों पर जरा गौर फरमाइए और सोचिएगा जरूर, क्या 370 हटने से और नोटबंदी के बाद आतंक की कमर टूट जाने वाली जो खबरें हमें बताई गई वो क्या सच साबित हो रही हैं। 17 अक्टूबर को दक्षिणी कश्मीर में कुलगाम में आतंकियों ने बिहार के 3 मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उनमें से 2 की मौत हो गई, तीसरे की हालत गंभीर है। वहीं इससे पहले श्रीनगर में बिहार के बांका जिले के निवासी अरविंद कुमार शाह की हत्या कर दी गई। उनका शव लेकर रविवार को घर लौटे मुकेश शाह ने दावा किया कि आतंकियों ने पहले उनसे आधार कार्ड मांगे ताकि यह पक्का कर सकें कि वो गैर कश्मीरी हैं। पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्होंने हमला कर दिया। इसके अलावा अभी इसी महीने की शुरुआत में आतंकियों ने एक दिन में जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर हमले किए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसी हमले में कश्मीरी पंडित बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू की भी जान चली गई और ये पूरी घटना लाल चौक के पास हुई। वहीं अभी हाल ही में पुंछ जिले में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। आतंकी LOC पार कर चमरेर के जंगल तक पहुंच गए थे जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे जवान नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सरज सिंह और बैशाख यच शहीद हो गए। अब आप इन खबरों के माध्यम से ही समझ लीजिए कि जो सपने हमारे लिए गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने बुने थे क्या उन सपनों में इसी तरह का कश्मीर था जहां पर देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को ही नहीं रहने दिया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश का एक मजदूर जो कश्मीर में मजदूरी कर रहा था अब वो कहता है कि ये जगह अब रहने के लायक नहीं है, जिंदा रहेंगे तभी कमा पाएंगे, हमें कश्मीर में इतना डर कभी नहीं लगा। जबकि राजस्थान के शख्स को कश्मीर में रहते हुए 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनका कहना है कि मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ, मेरा परिवार बार बार मुझे फ़ोन कर ये जगह छोड़ने के लिए कह रहा है। वहीं कुलगाम में रहने वाला शख्स कहता है कि कश्मीर में इन दिनों हालात बेहद खराब हैं, जब 6 महीने पहले हम काम की तलाश में आए थे तब हालात इतने खराब नहीं थे। मतलब साफ है कि जो सुखद समय की बात सरकार ने की थी वो सब कोरा कागज साबित हो रही है। अब तो कश्मीर में अपने देश के अलग अलग राज्यों के लोगों का रहना भी दूभर हो गया है। कश्मीर के अलग अलग जिलों के लोग अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और बड़गाम जैसे जिलों में आतंकियों के डर से बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। इसी महीने में कश्मीर में अब तक 11 लोगों की हत्या की जा चुकी है और इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों से कश्मीर आए थे, जिन्हें अब कश्मीर में रहना दूभर हो चला है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, लगातार खूनी खेल खेला जा रहा है,
लोग राज्य छोड़ने को मजबूर हैं और दिल्ली में बैठे हुक्मरान लगातार मीटिंग करके बता रहे हैं कि ऑल इज वेल इन जम्मू कश्मीर।